आपके लिए क्या मोटिवेशन था इसको प्रोजेक्ट को बैकअप करना? क्या मतलब ऐसा नजर आया इस प्रोजेक्ट में जो आपने बैकअप किया? क्योंकि ज्यादातर लोग कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बैकअप करते हैं प्रोजेक्ट को जब उनको फायदा नजर आता है, तो आप क्या समझते हैं कितना रिस्क है, कितना चैलेंज है इस प्रोजेक्ट को बैकअप करना आपके लिए? चैलेंज था शुरुआत में जब हम लोग जुड़े तो थोड़ा सा लगा था कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, थोड़ा सा सोचा था। बट सभी फैमिली की और उसकी तरफ से सपोर्ट मिलके अभी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है और सारा करके और आपने सब करना है ये, तो मोटिवेशन मिला, तो हमने फिर उसको कैरी ऑन किया कि हम ये कर सकते हैं और समस्याएं तो आएंगी बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको फेस करेंगे। और फिर सारा एजुकेशन के लिए ऐसे ही जैसे अमजद भाई ने बोला कि अपने को फर्स्ट डे का वहाँ पर फंड में देना है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये नहीं है कि हमने एज ए बिजनेस इसको लेना है, बट ये अच्छा मैसेज आए सोसाइटी में कि एजुकेशन के लिए। और हमारे मोदी जी भी अभी सरकार में ये कर ही रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, तो ये सारा अच्छा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में भी, तो दैट्स व्हाई। आपने जो स्टार कास्ट लिया है काफ़ी टैलेंटेड दिव्या दत्ता हो जाए या और भी जितने का, कितना ज़्यादा आपको वो चैलेंज था कि एक साथ असेंबल कर इतने टैलेंटेड स्टार कास्ट को इस फिल्म के लिए? डेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, काफ़ी सारी बात होती है प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो उसके बारे में बताइए आप। कितना कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत होती है जब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं कि एक ही साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं 7 लोग 8 लोग जो रेनाउंड है, जो लोग अलग अलग अपने अहदे पे हैं, कहीं कोई साउथ में काम कर रहे हैं, कोई कोई हिंदी सिनेमा में कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत तो हुई, लेकिन ज़्यादातर हमने कास्ट उसी को किया। एक फिल्म आई थी आर्गो, शायद आपने देखा होगा, उसमें जितने लोग को कास्ट किया गया था वो रिजेंबल करते थे रियल कैरेक्टर से, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कि भाई हम फटाक से रिलेट कर लेते थे कि भाई हाँ इस कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। और मौलाना फजलुल्ला या फिर बैतुल्ला महसूद या फिर हकीमुल्ला महसूद या फिर सुबी मोहम्मद, ऐसे लोगों को आम लोग जानते हैं, आए दिन लोग इनका न्यूज़ चलता रहा है, तो कास्ट हमने उसी को किया जो जैसा देखने में है। तो वो फिर उसको जब वो गेटअप दे दिए या फिर उस पर थोड़ा प्रोस्थेटिक वर्क किए तो वो वैसे लगने लगे, फिर वो मैनरिज्म भी उन लोग कैरी करते, तो स्विच ऑन एक्टर हैं सब के सब जितने भी इस फिल्म में हैं, और सब एक्सपीरियंस लोगों को जो मन जिनको एक्टिंग का पता हो, जैसे कि एक कसाई उसे अगर आप पूछेंगे मटन के बारे में वो बता देगा, ऐसे बहुत एक्टर यहाँ पर हैं जिनको एक्टिंग क्या है उसको पता ही नहीं, पूछते हैं तो पता नहीं, कोई एक एक्टर आता है वो खड़ा रहता है उसको बोलता हूँ एक्टिंग नहीं तो प्रोडक्शन कर ले, हाँ कर लूँगा। तो जिसका मोटो नहीं है, जिसका कुछ टारगेट नहीं है एक्टिंग, उसको मैंने कास्ट नहीं किया इस फिल्म में, उसी को कास्ट किया जो जीते हैं एक्टिंग में, जो मरते हैं एक्टिंग में, जो सोते हैं एक्टिंग में, तो बहुत आसान रहा। ज़्यादातर हम रिहर्सल पहले कर लेते थे क्योंकि मल्टीपल कैमरा का सेटअप होता था, तो कट कट करके एंगल बदल बदल के हमने पूरी फिल्म में कोई एक सिंगल शॉट भी ऐसा नहीं लिया, हम एट ए टाइम लगाते थे सारा कैमरा, 15-16 कैमरा लगता था एट ए टाइम, तो वो पहले रिहर्सल हो जाता था, फिर वो एक्शन सिक्वेंस हो या फिर वो टॉकी हो, तो एट ए टाइम सब करते थे, बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइज होता था। आपका काफ़ी ब्रॉडर विजन है, लेकिन सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं, वो जो मलाला का व्यू है जो सोसाइटी के लिए वो उससे इंस्पायर्ड नहीं है और उसके खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए कितना बड़ा रिस्क था या कोई ऐसा थ्रेट या कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ इस फिल्म को लेकर जहाँ कोई ग्रुप आपको नहीं चाह रहा है कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट आई पड़े? नहीं, वो शुरुआती दौर में हुआ था, मैंने एक बांग्लादेश की लड़की को कास्ट किया था शुरुआती, ढाका की लड़की को, उसने मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पर उसके थ्रेट शर्ट्स हुए थे वहाँ पर, तो ये तो चलते रहेंगे, इस तरह के लोग होंगे पूरी दुनिया में हैं, तो वो जो आवाज़ उठाई थी उसको थ्रेट्स आया था, हम फिल्म बनाए हमको थ्रेट्स आएगा, तो लेकिन ये थ्रेट्स ये वो लोग हैं जो छुप के कहीं बैठे हैं, ये आम आदमी के जैसे या फिर मतलब वो विद्रोह करने के लिए सामने आने वाले लोग नहीं, ये पीठ पे कायर हैं, पीठ पे वार करेंगे इस तरह के लोग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे जानना चाहूंगा कि फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा मीडियम होता है फिल्म को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने, आपका क्या प्लानिंग है इस फिल्म को लेकर आगे चल के, किस तरह से प्रमोट करने वाले, किस तरह से और ज़्यादा हाईलाइट करने वाले फिल्म को? जी चाह रहे हैं कि ये फिल्म सारा वर्ल्ड वाइड सारा कुछ जाए और लोग देखें इसको और सारे करें, तो हम अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन भाई ने दिया है और सारा कुछ करके अच्छी क्वालिटी बनाई है और वर्ल्ड वाइड इसको हमने इंटरनेशनली में बनाई है हॉलीवुड स्टाइल में, तो सारा मतलब ऐसा लगता है कि अब सब हम जाएंगे उन फेस्टिवल्स में और इनको सबको प्रमोट करेंगे और परमात्मा ने चाहा तो अच्छा ही इसका रिजल्ट लेके आएंगे।